Hello, 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 hello. Friends, once again, very warm welcome to all of you in Gajadhar Singh's chemistry class. So friends, coordination compounds chemistry की हमारी series चल रही है और आज हम एक नए topic के साथ आपके साथ हैं, crystal field theory. जी हाँ, जिसको आप short में CFT बोलते हो. तो ये मेरा आप सबसे humble request है कि अगर आप इस video को देख रहे हो तो बिगिनिंग से जो है एंडिंग तक देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एक अच्छी जो है पकड़ हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर. तो बिना लेट किए चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जब हम VBT पढ़े तो VBT जो है स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में प्रॉपर रीजन के साथ जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया और कॉम्प्लेक्स का बन फॉर्मेशन की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कोई प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन नहीं किया और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कलर को भी VBT नहीं बता पाया. तो ये सभी ड्रॉबैक्स VBT की आपकी CFT में ओवरकम होने वाली है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी CFT जो थ्योरी है वो 1930 में आया और सर एच बिथे और वान ब्लेक ने इस थ्योरी को दिया. CFT थ्योरी किसने दिया? सर एच बिथे और वान ब्लेक ने. तो इस थ्योरी की मेन पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स में भी आप टू टाइप्स. आप सबको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो किस कैसे बनता है, मेटल और लिगेंड्स की हेल्प से बनता है. क्लियर? तो मेटल और लिगेंड्स का नेचर क्या है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले पॉइंट्स में आपको लिगेंड्स का नेचर बताने जा रहे हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव लिगेंड होंगे या तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे. सो नेगेटिव लिगेंड इज कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज इन CFT. CFT में नेगेटिव लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया है और न्यूट्रल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पाइन डाइपोल, जबकि न्यूट्रल लिगेंड को आपकी पाइन डाइपोल के जैसे ट्रीट किया है. ये देखिए, पाइंट नेगेटिव चार्ज जैसे फ्लोराइड है, माइनस चार्ज है इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, साइनाइड, इस तरह सभी नेगेटिव लिगेंड्स माइनस चार्ज कैरी करता है अकॉर्डिंग टू CFT. और जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड है उसको कैसे कंसिडर किया है, सब पाइन डाइपोल. देखिए आप यहाँ पर H2O और अमोनिया दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स है और इसमें देखिए जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर माइनस चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज. इसमें भी नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है. तो इस तरह से आपने देखा कि CFT ने लिगेंड्स को कैसे कंसिडर किया है, नेगेटिव लिगेंड को ये सब पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड को ऐसा पॉइंट डाइपोल. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव चार्ज सेंटर बिकॉज इट बियर पॉजिटिव चार्ज मोस्टली. सेंट्रल मेटल को CFT ने कैसे कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर. क्यों? सेंट्रल एटम के में जो है मोस्टली आपका पॉजिटिव चार्ज ही होता है. तो आप लिगेंड्स का भी नेचर जान गए और मेटल का भी नेचर जान गए तो आपको अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया होगा कि CFT बॉन्ड जो बनने वाली है मेटल और लिगेंड के बीच उसको कैसे कंसिडर कर रहा है. सो CFT कंसिडर्स द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट. मतलब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई लिगेंड में नेगेटिव चार्ज है. आप देखना न्यूट्रल लिगेंड में भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, मेटल में पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्जेस हैं और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या होगा, प्योरली आयनिक. देख लीजिए आप मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा, आयनिक. इधर न्यूट्रल लिगेंड केस में भी देख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, सेंट्रल मेटल पॉजिटिव चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. तो फोर्थ पॉइंट आपको ना बताएगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जब फॉर्म होती है तो लिगेंड्स का जब अरेंजमेंट होता है सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड, तो जो अरेंजमेंट है वो कैसे होना चाहिए,
इस तरह से होना चाहिए कि रिपल्सन जो होगा सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच। रिपल्सन क्यों? आपको पता है कि सेंट्रल मेटल हो चाहे लिगेंड हो, दोनों के पास तो इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या सेम चार्जेस होंगे, तो सेम चार्जेस होने की वजह से क्या यहाँ पर रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। सो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन सच अ वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम शुड बी मिनिमम। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स कैसे अरेंज रहेंगे? इस तरह से अरेंज रहेंगे कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच और लिगेंड लिगेंड के आपस में भी जो आपका रिपल्सिव इंटरेक्शन हो लेस हो, बहुत कम हो, मिनिमम होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की चलो बात करते हैं। इन फ्री मेटल आयन 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या? हैविंग सेम एनर्जी। सेंट्रल मेटल आयन जो है उसमें फ्री अगर स्टेट है उनका, तो 5d ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, ऐसे ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बट व्हेन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट्स डी ऑर्बिटल इनटू डिफरेंट सेट। क्रिस्टल फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेटल एंड लिगेंड। ये लिगेंड के जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, उनको डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी में क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। और इससे ही हम लोग जो है आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टर्म से जो है जानेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, मेटल डी ऑर्बिटल का क्या होना? स्प्लिट हो जाना। किसमें स्प्लिट हो जाना? डिफरेंट डिफरेंट सेट के एनर्जी में। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए। द रीजन फॉर देयर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का रीजन क्या है? तो यह है रिपल्सिव इंटरेक्शन। द रीजन फॉर देयर स्प्लिटिंग इज रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन मेटल लिगेंड एंड लिगेंड लिगेंड, जो फोर्थ पॉइंट में भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये मेटल का डी इलेक्ट्रॉन है और ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल डी इलेक्ट्रॉन दोनों में ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो भाई नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा, तो सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है आपको पता है, और लिगेंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, और मेटल डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के सेट में आपके स्प्लिट हो जाएंगे, इसे ही क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये थे पास्टुलेट्स। अब देखते हैं कि अगर स्प्लिटिंग हो रहा है तो स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा डी ऑर्बिटल्स का। तो अलग अलग जियोमेट्री में ना स्प्लिटिंग का पैटर्न भी अलग अलग होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये मेटल का क्या है आपका? डी ऑर्बिटल है। अब ये डी ऑर्बिटल देखो ग्राउंड स्टेट में डिजनरेट, मतलब सेम एनर्जी के हैं। स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड में भी इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, अभी भी ये डिजनरेट रहेगा। चलो टेट्राहेड्रल फील्ड में पहले स्प्लिटिंग की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स का, तो स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट में सभी डी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी, स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड में भी देखो सेम एनर्जी के हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे एक्जियल और नॉन एक्जियल इंड से, तब क्या होगा देखना, यहाँ पर स्प्लिट हो गया। देखो डी ऑर्बिटल का यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गया है, ये तीन ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है पहले से। इधर से इधर आपकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है। आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो ये थ्री ऑर्बिटल्स की आपकी एनर्जी पहले से इंक्रीज हो गई है, इनको हम T2 ऑर्बिटल बोल रहे हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड में इसको क्या बोल रहे हैं? T2, ट्रिपली डीजनरेट। और दो आपकी जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो गई है? पहले से डिक्रीज हो गई, इसको ई सेट बोल रहे हैं। पहले से इनकी एनर्जी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो ये अलग अलग एनर्जी के सेट में क्या हो गए? स्प्लिट हो गए। तो एक्जियल ऑर्बिटल्स देखिए, एक्जियल सेट की एनर्जी कम हो गई, नॉन एक्जियल सेट की एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई है, और यही आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। फ्रेंड्स ध्यान देना, आप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है आपका, ये दो T2 सेट और ई सेट के जो बीच का एनर्जी गैप है, इसको हम डेल्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टी का यहाँ पर मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल फील्ड को बता रहे हैं। और ये टोटल जो एनर्जी गैप होती है ये होता है आपका 10 dQ का होता है, 10 dQ का होता है। ठीक है, आगे इसको अपन और डिस्कस करेंगे डिटेल में भी टेट्राहेड्रल फील्ड का। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर फील्ड ऑक्टाहेड्रल है तब स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो आपको पता है सभी जो है डी ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, एनर्जी सबका सेम है। जैसे सिमेट्रिकल एक्साइटेशन होगा फिर भी इनकी अभी एनर्जी जो डिस्टर्ब नहीं हुई है, अभी भी डीजनरेट है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब आएगा तो इस बार स्प्लिटिंग का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बार आपका 2 ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी पहले से डिक्रीज हो जाएगी। ये तीनों की सेम एनर्जी होगी, इसको T2G सेट बोलेंगे। पहले देखो टेट्राहेड्रल फील्ड में जी नहीं था, ठीक है, यहाँ पर जी है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री है, जी फॉर जी रेट जो सिमेट्री का टर्म है। तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर पहले से डिक्रीज हो गई और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई उनको ए जी सेट बोल रहे हैं। ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हो गई। फिर देखना दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल ओ मतलब क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका टेट्रागोनल अगर ज्योमेट्री है तब स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा। तो इसको समझिएगा, अगर आपका टेट्रागोनल हो तो इसमें ना फिर से स्प्लिटिंग और भी हो जाती है, जो आपकी टी टू जी सेट है वो और भी एनर्जी के सेट में आपके स्प्लिट हो जाएंगे। डी एक्स वाई की एनर्जी देखो पहले से बढ़ गई टेट्रागोनल में, और डी वाई जेड और डी जेड एक्स अलग एनर्जी के सेट में ये जो है स्प्लिट हो गए, इनकी एनर्जी पहले से कम हो गई। और इसके अलावा देखना ये ई जी सेट भी फिर से स्प्लिट हो गए टेट्रागोनल फील्ड में, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इंक्रीज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग एनर्जी का सेट मिल गया है, ऑर्बिटल्स का सेट अलग अलग एनर्जी के, 4 अलग अलग कौन से फील्ड में, टेट्रागोनल फील्ड में। क्लियर हो रहा है क्या? और यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की, इनको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्रागोनल फील्ड बोलेंगे। फिर स्क्वायर प्लेनर अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तब क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ना डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल जो है इनकी ये अभी भी लोअर एनर्जी सेट रहेंगे, लेकिन ध्यान देना इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है। जो डी एक्स वाई की एनर्जी पहले डी जेड स्क्वायर से कम होती थी टेट्रागोनल में, अब ऐसा नहीं रहेगा, डी जेड स्क्वायर का यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, और डी एक्स वाई का एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। कौन से फील्ड में, स्क्वायर प्लेनर में। और अभी भी डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है आपका, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। और ये जो आपका देखना लोएस्ट एनर्जी स्टेट और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी जो एनर्जी गैप है वो किसका है, स्क्वायर प्लेनर फील्ड में है, स्क्वायर प्लेनर में। फिर टेट्रागोनल का है देखिए, फिर आपका ऑक्टाहेड्रल का है, और जो मिनिमम एनर्जी गैप होता है वो टेट्राहेड्रल फील्ड में होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। तो ये था आपका स्प्लिटिंग पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री में, किसका, डी ऑर्बिटल्स का। अब हम पर्टिकुलर जो है किसी एक जो है ज्योमेट्री में बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बात करते हैं फ्रेंड, कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो देखिए इस बार मैं लाइन लाइन से दिखा दिया हूँ 5d ऑर्बिटल्स को, ये सभी अभी डिजेनरेट स्टेट में है, फ्री मेटल आयन के केस में सभी की एनर्जी क्या है, अभी सेम है। और स्फेरिकल फील्ड में भी इनकी एनर्जी अभी एवरेज है, लेकिन जैसे ही आपका लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करता है तो
आप देखना जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज़्यादा रिपल्सन जो फील करता है। तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये दो ऑर्बिटल है जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है ये ज़्यादा रिपल्सन फील करता है, और ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और ये ई जी सेट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है पहले से। और आपकी जो नॉन एक्सियल सेट है डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड ये ई जी सेट के कंपेयर में कम रिपल्सन फील करता है और इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है और टी टू जी सेट में ये स्प्लिट हो गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कितनी जो है एनर्जी इसकी कम हो गई टी टू जी सेट की 2/5 del 0, ठीक है, और आपकी ई जी की एनर्जी कितनी जो है इंक्रीज हो गई 3/5 del 0। जीरो मतलब वो है एक्चुअल में जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग एनर्जी को बता रहा है, दोनों मिला के जो है जो एनर्जी होगी आपकी वो डेल जीरो होगी, जो एनर्जी डिफरेंस है बीच वाली जो ये मिडिल वाली लाइन है इसको बैरी सेंटर बोलते हैं हम। टोटल आपकी एनर्जी गैप यहाँ से ई जी से और टी टू जी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस वो कितने का होगा आपका 10 dQ। डी क्यू का मतलब क्या है, डेसी क्वांटा, क्लियर हो रहा है क्या सबको। तो ये आपकी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एंड एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इसमें बस एक चीज़ आपको ही याद रखनी कि ई जी सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें और टी टू जी सेट की एनर्जी कम होती है। फिर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो बस अपोजिट कर देना है आपको, ऑक्टाहेड्रल में जैसा था उससे अपोजिट। इसमें देखिए आपकी ई सेट की एनर्जी ना इसमें कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में ई जी सेट की एनर्जी ज़्यादा होती थी और इसमें इसकी एनर्जी 3/5 del t से क्या हो गई, कम हो गई है। टेट्राहेड्रल फील्ड है इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल टी से दिखा रहे हैं, और टी टू सेट की एनर्जी इसमें हायर होती देखिए, और 2/5 del t से ये हायर है, क्लियर। ये दोनों के बीच के एनर्जी सेपरेशन को फिर हम क्या बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। तो जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का और कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। लास्ट में फ्रेंड्स हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी लिमिटेशंस की बात करेंगे, ये थ्योरी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको नहीं बता पाया। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, सीएफटी कंसीडर्स ओनली मेटल डी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर नेगलेक्टेड। आपको पता है कि सीएफटी ने जितने भी बार हमने पढ़ा खाली डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की, डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर किया, और क्या एस और पी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं मेटल में, क्या लिगेंड्स में एस पी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ये सभी चीज़ें जो है इसमें नेगलेक्ट कर दी गई, खासकर मेटल केस में केवल डी ऑर्बिटल बस को कंसीडर किया, एस और पी ऑर्बिटल को ये नेगलेक्ट कर दिया, ये इसकी ड्रॉबैक है। साथ ही साथ सी एफ टी कंसिडर्स द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड प्योरली आयनिक बताया बॉन्ड का नेचर, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट टाइप होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है रियल में, तो ये आपकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही सी एफ टी की। और इसके अलावा सी एफ टी ना नेचर आप बॉन्ड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के केस में नहीं डिफाइन कर पाया, ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के केस में बॉन्ड का नेचर नहीं बता पाया कि मेटल और कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है। और सी एफ टी ने पाई बॉन्डिंग को भी कंसिडर नहीं किया, सी एफ टी डजंट कंसिडर द पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आया था यह थ्योरी, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनकी कलर का रीजन सी एफ टी नहीं बता पाया, जैसे आपका KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंपाउंड्स हैं, और इनकी जो है कलर का रीज़न क्या है सी एफ टी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सभी सी एफ टी से रिलेटेड चीज़ें हमने देखा, आप जो है बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से जो है आपको याद होना चाहिए सभी पॉइंट्स, लिमिटेशंस क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है, और आगे भी जो है इस तरह से रेगुलर केमिस्ट्री अपडेट आप पाने के लिए हमसे जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।